बेडगाम के फटलीपुरा फक्कड़पुरा इलाके में प्रेशर कुकर के फट पड़ने के नतीजे में एक मां और बेटी जख्मी हो गए। बताया गया कि पकवान के दौरान प्रेशर कुकर अचानक फट पड़ा, जिसके नतीजे में एक खातून और उनकी बेटी जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह 9 बजे मोहम्मद लावे नामी शख्स के मकान में यह हादसा पेश आया। बडगाम पुलिस ने 48 घंटों के अंदर सरखे के एक मामले को हल करते हुए 3 मुबैना सारखीन को गिरफ्तार किया है। बडगाम में रेलवे क्वार्टर्स में चोरी की वारदात पेश आई थी और इसके बाद पुलिस ने महज 48 घंटों के अंदर अंदर ही 3 नक्सलियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से मसरूखा सामान जब्त किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि थाना बडगाम को शिकायत मौसूल हुई कि रेलवे क्वार्टर्स में नामालूम अफराद ने नकब लगाकर वहां से लाखों रुपये मालियत के लैपटॉप, घड़ियां और तिलाई जेवरात लेकर राह फरार अख्तियार की। मेंधर पुलिस ने एक खसूसी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर शराब की मुंतकली करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 130 गैर कानूनी शराब की बोतलें जब्त की। कुपवाड़ा के त्रेगाम इलाके में बीएसएफ की जानिब से एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हथियारों की नुमाइश भी की गई। हेलो एवरीवन, आई एम मलिक साहब फ्रॉम त्रेगाम। मैं आज एक कैंप में आई हूँ 172 बटालियन बैसठ त्रेगाम में। मैंने वो चीज़ नहीं देखे थे जो मैंने यहाँ पे देखे, जिम सेंटर्स देखे, डक्स वगैरह देखे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई। जैसा कि आपको मालूम है, भारतवर्ष ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं और भारत सरकार की तरफ से इस पूरे वर्ष को आज़ादी के महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और उसी श्रृंखला में आज भी आज़ादी का अमृत महोत्सव में देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा के थीम देते हुए 172 बटालियन ने 4 दिन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आज हमने सबसे पहले अपने कैंपस का विजिट कराया है बच्चों को, जिससे कि उनको पता चलेगा कि जो बॉर्डर मैन है किस तरह के हालात में रह रहा है, क्या क्या उनके पास में फैसिलिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्हें तैयार करेगी कि वो भी बाद में आकर बीएसएफ को ज्वाइन करें और देश की सुरक्षा के लिए या देश को कुछ ना कुछ। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। श्रीनगर के अमीरा कदल में ग्रेनेड हमला, एक शहीद शख्स जहां बहक, 24 अफराद जख्मी, तमाम जख्मियों को अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। Thank you.
श्रीनगर और वादी कश्मीर में सिक्योरिटी का मामला हमेशा चैलेंज रहा। अमीरा कदल ग्रेनेड धमाके के बाद डीआईजी सेंट्रल कश्मीर का रद्देअमल। पेशावर की मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाका इंतहाई बदबख्ताना। कश्मीर में सियासी मजहबी और समाजी शख्सियात का रद्देअमल। शेर कश्मीर जरई यूनिवर्सिटी में जरई फेस्टिवल का आगाज। पीके पोले और फारूक खान ने किया इफ्तिताह। जोड़ों के अमराज के लिए 5 अस्पतालों में क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर का बयान। अदमपुर की तालिबा जंगजदा मुल्क यूक्रेन से वतन हुई वापस। दीगर तलबा की वापसी का हुकूमत से सरपरस्त कर रहे हैं मुतालबा। मास्को विश्व मुकाबले में तिलाई तमगा हासिल करने वाली खिलाड़ी पहुंचे श्रीनगर। जीके स्पोर्ट्स काउंसिल ने सादिया तारीख का किया इस्तकबाल। नाज़रीन इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।